फ्रेंड्स अगेन अ न्यू सेशन ऑफ 21 डेज प्रैक्टिस। रिया हमको प्रैक्टिस करवाते हुए कितने दिन हो चुके हैं? सो 5 डेज। वेरी नाइस। तो इट इज अ 6th चैप्टर, दैट इज अ वर्ड देना गेम। आज हम 6th डे पे चल गए हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो स्पेशल वर्ड टॉपिक है वो आपको अच्छा लग रहा है। हर दिन हर टाइम हमको एक नए-नए वर्ब्स मिल रही है। अभी तक हमने देने को सिर्फ गिव देखा है। इसके अलावा एक वर्ब मैं आपको और बता सकता हूं, मैं बहुत यूज करता हूं उसे। हम जब भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तब हम उसको बेस्टो कहते हैं, BESTOW। तो ये भी वर्ब मैं आपको दे देता हूं, BESTOW, ये भी होता है अर्पित करना देना। पर जैसा कि हमने आपको हर वीडियो के अंदर, स्पेशली ये 21 डेज की प्रैक्टिस के अंदर, हमने आपको हर वर्ब के स्पेशल यूजेस बताए हैं, उसी तरह है, आज जो हम करने जा रहे हैं वो भी डिफरेंट यूजेस ही जा रहे हैं। और हमारे पास जो वर्ब है वो है देना। तो आई नीड रियाज हेल्प फॉर इट। सो रिया आर यू रेडी? यस सर। तो पौधों को पानी देना, व्हाट डू स्पीक? सर टू वाटर द प्लांट्स। दैट्स वेरी नाइस, टू वाटर द प्लांट्स। देखिए स्टूडेंट, वाटर इटसेल्फ इज अ वर्ब हियर। To water the plants is means पानी देना। और पौधे लगाने को हम क्या कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं मुझे? तो it means to plant the sapling। बोलिए मेरे साथ, to plant the sapling। तो मैं यहाँ पर आपको word लिख देता हूँ SAPPLING, ताकि आपको easy रहे, to plant the sapling। और पौधा उखाड़ना क्या होता है students? It means uproot the plant। Uproot, 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 right? पर हम वहां तक सीमित रहे क्योंकि बहुत दूर निकल जाएंगे। देना means पौधों को पानी देना, to water the plants. Let us go with another. Riya, what about तांबे देना? Sir, to taunt. Oh, that's wonderful. TAUNT. The word is taunt. इसके अलावा हम curse भी बोल सकते हैं। To curse someone, to taunt, दोनों में ही ताने देना चलता है, यानी कि allowed होता है। तो word is शपथ दिलाना। What with this? Sir, to administer an oath. Oh, to administer an oath. O-A-T-H. Oath. Isn't it? Am I right, Riya? Yes. So, word is shapat dilana. To administer an oath. Dawa dena, nyay dena. Sir, to administer medicine and to administer justice. That's wonderful. So, humne notice kiya ki medicine dena, hum uske liye administer word use kar sakte hain. जस्टिस यानी कि न्याय देना, उसके लिए भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं। तो क्या आप दोबारा रिपीट करेंगे, दवा देना, न्याय देना? सर, टू एडमिनिस्टर मेडिसिन एंड टू एडमिनिस्टर जस्टिस। गेट इट? आई होप। परीक्षा देना। सर, टू अपीयर एट एंड टू टेक एन एग्जाम। ओके, टू APPEAR, एम आई राइट? यस। एंड द वर्ड इज अपीयर एंड अनदर वर्ड इज टू टेक एग्जाम। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मेरे स्टूडेंट्स बहुत गड़बड़ करेंगे। द वर्ड इज टू टेक। अब देखो यहाँ पर जो वर्ड है टू टेक, आप कहेंगे सर एग्जाम देना तो गिव होता है, सर एग्जाम में हम टेक क्यों लगा रहे हैं? आप इस बात को नोटिस कर रहे हैं? एग्जाम देना, तो आप कहेंगे सर रिया गलत बोल रही है, रिया बोल रही है टू टेक एग्जाम। पर आपको मैं एक बात बताता हूँ स्टूडेंट्स, एग्जाम और इंटरव्यू में आपको जहां गिव लगाना है आप टेक लगाएंगे, जहां टेक लगाना है वहां गिव लगाएंगे। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? तो कुछ रूल्स है स्टूडेंट्स ग्रामर के, आप अगर इनको याद रखो, रिकॉल रखो तो ज्यादा अच्छा है। रिया इज वेरी राइट, टू टेक एग्जाम या फिर टू अपीयर एन एग्जाम, बोथ आर राइट। चलिए अंजलि देना। अपने आपको किसी चीज में अंजलि पेश करना, कोई चीज हम करते हैं, हम ऑफरिंग वर्ड यूज करते हैं। टू मेक एन ऑफरिंग, किसी को कुछ देना। टू गिव समथिंग, इट्स वेरी सिंपल, टू गिव समथिंग टू समवन, इज़न्ट इट? टू गिव समथिंग टू समवन। हम आगे बढ़ते हैं। यस, आई वांट टू टॉक टू माय व्यूअर्स। यू कैन। सो फ्रेंड्स, एज यू नो, फर्स्ट इज 70 वे ऑफ स्पोकन इंग्लिश, एंड सेकंड इज यूनिवर्सल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन, एंड थर्ड इज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप अपनी इंग्लिश को डेवलप करना चाहते हैं, गो अहेड विद 70 वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक, वेरी क्रिएटिव। हमने 70 नए तरीके बताए आपको इंग्लिश सीखने के। और अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश मिक्स बुक, दैट इज यूनिवर्सल इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन, इट इज वन ऑफ द वंडरफुल बुक। अगर आप कहते हैं सर मैं तो मेडिकल रैप की तैयारी करना चाहता हूं, तो हम आपको दो बुक रेफर करेंगे, मेडिकल रैप एंड यूनिवर्सल इंटरव्यू, आ सुपर बुक फॉर यू पीपल। स्टूडेंट्स, आप चाहते हैं कि सर हम तो आपसे और भी कोर्सेज करना चाहते हैं, तो हम आपको यहाँ 7 डेज के लिए इनवाइट भी करते हैं, आपका फूड एकोमोडेशन हम अरेंज करवा के देते हैं। आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, हमारे पास हर स्टेट से, अलग अलग स्टेट से बच्चे आते भी है, हम उनको वेल फर्निश्ड पूरा फैसिलिटी बनाकर यहाँ से बेचते हैं। अदर देन दैट, अगर आप नहीं आ सकते तो भी आप हमारे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। आप टेलीफोन के द्वारा हमारे कोर्सेज का बेनिफिट्स ले सकते हैं। टेलीफोन क्लासेस 1 वीक की होती है और बहुत इंटरेस्टिंग होती है। यू कैन गो टू आवर वेबसाइट्स और आप वहां पर जाकर हमसे ये चीजें डिमांड कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते आगे। तो वर्ड इज बलि देना। टू ऑफर सैक्रिफाइस। ओ सैक्रिफाइस, ये वर्ड बड़ा कॉमन है, मेरे ख्याल से हम यूज भी करते हैं। सैक्रिफाइस मींस
बलि, चलिए, किसी चीज को छोड़ देना, ओके, किसी चीज को छोड़ देना, टू लीव, बड़ा सिंपल वर्ड है, लीव लेफ्ट लेफ्ट, और गिव अप मतलब त्यागना, छोड़ देना, राइट, अबंडन, आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, वर्ड इज खर्च देना, मीट द एक्सपेंसेस, MWET, मीट द एक्सपेंसेस, इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मीट द एक्सपेंसेस, नौकरी छोड़ देना, resign, RESIGN, resign the post, isn't it? चलिए भाषण देना, मीनिंग होता है भाषण देना. देखो नया वर्ड है, शायद आपने नहीं सुना होगा. आपने कहा होगा एलोकेट सर, तो मैं कहूंगा एलोकेट नहीं, एलोकेट तो होता है देना कुछ अलग अलग, एलोकेट नहीं, एलोक्यूशन, AWLOCUTION, ये भी मीनिंग भाषण देना ही होता है. मगर हमें जो रिया ने बताया वो भी अच्छा था, भाषण देना, टू मेक, बिल्कुल सही, टू मेक एंड स्पीक. और आप क्या बोल सकते हैं, टू डिलीवर, डिलीवर वर्ड आप प्लीज अप्रोप्रिएट है, इसको आप ज्यादा यूज कीजिए. स्टूडेंट्स, अगर आप भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं, आप कहते सर हमारा ऑलरेडी इंस्टीट्यूट है, हम भी उसको डेवलप करना चाहते हैं या हम नया इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, आपको सारे नोट्स अवेलेबल कराने को तैयार है, आपको वेल ट्रेन करने को तैयार है कि आप भी एक अपने इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छा रन कर सकते हैं. अगर आपके आईज में ऐसी बात है तो बिल्कुल आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे नंबर से व्हाट्सएप से आप हमसे डिटेल ले सकते हैं. चलिए, किसी को बुरे समय में छोड़ना, ये तो वर्ड देना ही पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में दे चुका हूं ये वर्ड, टू लीव समवन इन लर्च, गेटिंग पॉइंट, लर्च. और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला टू डेजर्ट, डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट. आप कहेंगे सर ये तो रेगिस्तान होता है, बिल्कुल होता है, मगर वो नाउन रूप में होता है, तो डेजर्ट के और भी बहुत मीनिंग होते हैं, छोड़ना भी डेजर्ट होता है स्टूडेंट्स. इसी तरीके से लर्च का मीनिंग है टू लीव समवन इन लर्च, मथार में, यानी कि प्रॉब्लम के टाइम में उन्हें छोड़ देना, दिस वर्ड इज टू बी नोन एज लर्च. स्टूडेंट्स, हम आपको एक अच्छी खुशखबरी देना चाहते हैं, नाउ वी आर एन ऑथराइज्ड एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी. आपको बता दें अब हम इस अनअकैडमी में भी एजुकेटर बने हुए हैं, और आप अगर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको यहां पर हमारा अनअकैडमी का लिंक भी मिलेगा, और उस लिंक के अंदर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप हमसे वहां पर भी स्टडी कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं सर वहां पर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल हम वहां पर इंग्लिश के ही ट्यूटर है, और अगर आप अपनी इंग्लिश को बहुत फ्लरिश करना चाहते हैं तो प्लीज आप वहां पर जाइएगा और हमसे इंग्लिश सीखेगा. चलिए, हमारे पास दो वर्ड्स आए गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं ये देना भी रिया हमें हेल्प करेगी. रिया, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड धमकी देना? टू होल्ड आउट अ थ्रेट. ओहो, थोड़ा हार्ड वर्ड है थ्रेट, THREAT, थ्रेट. स्टूडेंट्स, आपने SWOT एनालिसिस वर्ड सुना होगा, SWOT, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. गेटिंग पॉइंट, दो चीज, स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे हाथ में होती है, हम चाहें तो जितनी बढ़ा लें, हम चाहें तो जितनी कम कर लें, पर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हमारे हाथ में नहीं होती है, वो कभी भी आ सकता है, अवसर कभी भी आ सकता है, थ्रेट्स कभी भी हो सकता है, यानी कि प्रॉब्लम लाइफ के अंदर, तो थ्रेट्स इज धमकी देना, राइट? सो टू थ्रेट. चलिए, गाली देना, टू अब्यूज, वेरी कॉमन वर्ड, ABUSE, अब्यूज, पर एक डिसेंट पर्सनालिटी, एक मैं कहता हूं शरीफ व्यक्ति कभी भी गाली नहीं देता, ही डोंट यूज द अब्यूजिंग वर्ड्स एट ऑल, और अगर आप भी गाली देते हैं तो ये बहुत गलत बात है, राइट? सो प्लीज अवॉइड दिस थिंग. सो लेट अस कम बैक दैट वी हैव यूज दिस वर्ड, द वर्ड इज देना, गिव. आई होप दिस 6th पार्ट इज ऑल्सो वेरी फ्रूटफुल फॉर यू. This 21 days practice will make you very efficient students. आप बहुत dynamic बनने वाले हैं. आप continue कीजिए ये sessions, आपको बहुत फायदा होने वाला है. Thank you very much students.